हाई गाइज़ वंस अगेन वेलकम बैक ऑल माई चैनल मैसवेद आरना देखिए आज क्लास नाइन के कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं और आइए इन्हें करते हैं नंबर सिस्टम के बिफोर दैट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप क्लास नाइन का फुल सिलेबस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आइए अपने क्वेश्चन करते हैं और फर्स्ट पार्ट नोट डाउन करते हैं फिफ्थ फाइव रूट ऑफ फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू टू तो अब हम देखो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है वन बाय फाइव इज इक्वल्स टू टू तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे फाइव की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे इम्प्लाइज करेगा यानी कि हम इस पावर को इस तरीके से दोनों साइड क्या कर देंगे मल्टीप्लाई मैंने टू की पावर मतलब मल्टी फिफ्थ पावर जो है उसको मतलब फाइव बा मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से तो इससे क्या होगा ये कट जाएगा और आपका बचेगा फाइव एक्स प्लस टू इज इक्ल्स टू टू की पावर फाइव का मतलब होता है थर्टी टू हम क्या करेंगे जितनी भी यहाँ पे वन बाय फाइव में होगी दोनों साइड उसके मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायरिंग करते हैं तो ऐसे ही मैंने क्या कर दिया फ़ाइव टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया उसको फाइव एक्स अब ये हमारा टू है इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस टू फाइव एक्स इज इक्ल्स टू थर्टी एक्स इज इक्वल टू थर्टी बाई फाइव फाइव सिक्स तो आपके फर्स्ट पार्ट में एक्स की वैल्यू कितनी आई सिक्स अब हम अपना सेकेंड पार्ट करते हैं देखिए थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर है अब देखो ये इसका मतलब क्या है यहाँ पे वन बाय थ्री है यानी कि अब की बार हम क्या करेंगे दोनों साइड क्यूब तो हम इम्प्लाइज करके थ्री एक्स माइनस टू वन बाई थ्री इंटू थ्री यानी कि मैंने दोनों साइड क्या कर दिया क्यूब अप्लाई कर दिया तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया ये आया थ्री एक्स माइनस टू ये होता है आपका सिक्सटी फोर थ्री एक्स इज ईक्स टू सिक्सटी फोर माइनस का टू इधर जाकर हो जाएगा प्लस का टू थ्री एक्स इज ईक्स टू सिक्सटी सिक्स तो आपके जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी सिक्सटी सिक्स बाय थ्री दैट इज़ ट्वेंटी टू यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई ट्वेंटी टू थर्ड पार्ट देखते हैं बहुत ईजी है सिर्फ एक्सपोनेंट के लूज लगाने हैं थ्री बाई फोर की पावर थ्री फोर बाय थ्री की पावर माइनस सेवन थ्री बाय फोर की पावर टू एक्स तो देखो यहाँ पे इधर थ्री बाय फोर है ये थ्री बाय फोर है लेकिन ये फोर बाय थ्री है तो इसको भी हम क्या बना लेते हैं थ्री बाय फोर क्योंकि इक्वेट करने के लिए हमारे जो बेसिस हैं वो सेम होने चाहिए या पावर सेम होनी चाहिए तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बेसिस क्या से चाहिए सेम तो मैं इसको लिखूंगी थ्री बाय फोर की पावर थ्री और इसको मैं कर दूंगी रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल करते ही पावर हो जाएगी पॉजिटिव ठीक है मैंने इन्वर्स कर लिया नेगेटिव था इज इक्वल टू थ्री बाय फोर की पावर टू एक्स अब देखिए जब हमारे बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर होती है एड यानी कि थ्री प्लस सेवन इज इक्वल टू थ्री बाय फोर की पावर टू एक्स उसके बाद थ्री बाई फोर सेवन प्लस थ्री टेन इज इक्वल टू थ्री बाई फोर टू एक्स अब मेरे बेसिस क्या है सेम तो इक्वेट कर देंगे ऑन कंपेयरिंग बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स वी गेट ऑन कंपेयरिंग बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स वी गेट देखो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा टेन इज इक्वल टू टू एक्स क्योंकि बेसिस सेम थे पावर इक्वेट हो गई तो एक्स की वैल्यू आएगा टेन बाई टू टू फाइव ज टेन यानी कि हमारे एक्स की वैल्यू आई फाइव अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट है फाइव एक्स माइनस थ्री इंटू थ्री टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू 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 फाइव अब देखो ये दो में है ठीक है फाइव में और थ्री में तो देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या आते हैं फाइव एक्स माइनस थ्री इंटू थ्री टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू फिफ्टीन जो टू टू फाइव होता है यानी कि थ्री थ्री जन फाइव ज फोर्टी फाइव फाइव ज टू टू फाइव ये मेरे फैक्टर आएंगे यानी कि फाइव एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर यानी कि फाइव का फाइव से कंपेयर होगा और थ्री का थ्री से कंपेयर होगा तो अब हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स बोथ साइड वी गेट ऑन कंपेयरिंग बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स बोथ साइड वी गेट देखो हमें क्या मिलेगा फाइव की पावर से फाइव की पावर कंपेयर करेंगे यानी कि एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू तो एक्स की वैल्यू टू प्लस थ्री कितनी आई फाइव ऐसे ही हम थ्री से थ्री वाली कंपेयर करेंगे टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू टू एट आएगा प्लस एट प्लस टू टेन एक्स इज इक्वल टू टू फाइव दोनों से ही एक्स की वैल्यू क्या आ रही है फाइव तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी फाइव नेक्स्ट पार्ट करते हैं लास्ट पार्ट